एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे MBR को। सबसे पहले MBR का फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। अच्छा, ये होता क्या है, देखिए, अगर आपकी एकदम बिल्कुल न्यू हार्ड डिस्क है और जी उसमें अगर आपको पार्टीशंस करने होते हैं, तब उस केस में आप लोग हमेशा उसमें अपना ओएस इंस्टॉल करते हैं। तो जब भी कोई पार्टीशन आपका बनता है, तब MBR हमेशा आपका बनता है। तो MBR से डिफाइन होता है कि आपके पार्टीशन का स्टाइल क्या है। ओके, अब ये जो MBR होता है, जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में, इट मीन कि जीरो नंबर ट्रैक के फर्स्ट सेक्टर में ये सेव होता है। और इसके अंदर क्या सेव होता है कि देखिए कि जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर कितने ट्रैक्स हैं, कितने सेक्टर्स हैं, कितने क्लस्टर्स हैं, इस टाइप की इंफॉर्मेशन, और इसके बाद में कितने पार्टीशंस आप लोगों के हैं उसकी भी इन्फो इसके अंदर सेव होती है। और एज यू नो कि हर एक सेक्टर का साइज फिक्स होता है, तो सेम MBR का भी साइज आपका 512 byte होता है। ओके, अब इफ आई टॉक हियर, ये देखिए, ये जो हमारी हार्ड डिस्क है उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग में आपका, इट मीन कि ये देखिए कि ये जो आपकी हार्ड डिस्क है इसके स्टार्टिंग में, इट मीन कि जो आपका ट्रैक जीरो होगा, और फॉर एग्जांपल कि ये आपका फर्स्ट सेक्टर है, तो ये आपका MBR होगा। इट मीन कि जो आपकी हार्ड डिस्क होगी उसके स्टार्टिंग में, हार्ड डिस्क का साइज कुछ भी हो, MBR हर एक में बनता ही है। ओके, अब इफ आई टॉक हियर द MBR, तो देखिए जो MBR होता है, आप सबको पता है कि वो 512 byte का होता है। तो उसके जो आपके हिस्से होते हैं वो ऐसे होते हैं, जो 446 byte होते हैं उसके अंदर सेव होता है कि आपकी पूरी हार्ड डिस्क में कितने ट्रैक्स हैं, कितने सेक्टर्स हैं, कितने आपके क्लस्टर्स होते हैं। और जो आपका 64 होता है उसके अंदर सेव होता है कि कितने पार्टीशंस हमारे सेव हैं। ओके, एंड जो हमारा 2 bytes होता है वो हमारा एरर चेकिंग के लिए होता है कि अगर किसी भी ट्रैक में, किसी सेक्टर में अगर कोई भी इश्यूज आते हैं तो उसको आपके सामने डिस्प्ले करना। ओके गाइस, तो ये हमारा MBR है। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो थैंक यू सो मच।